हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 46 की, जो कि 1 नवंबर के लिए जारी की गई थी। ये क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 2 इन आवर रिविज़न वर्कशीट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। आपकी वर्कशीट में बच्चों चैप्टर 2 में रिविज़न के बारे में बताया गया है, और सबसे पहले बात कर रहा है ये कोलोइडल सॉल्यूशन में हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो बेसिकली कोलोइडल सॉल्यूशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एंड इन दिस मिक्सचर द पार्टिकल साइज इज़ बिगर देन द पार्टिकल साइज ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन, बट एज इट वाज स्मॉलर देन द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन, दस द मिक्सचर सीम्स टू बी होमोजीनियस इन अपीयरेंस। एंड कोलोइडल सॉल्यूशन कैन बी मेड बाय और फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ डिस्पर्स्ड फेस एंड अनदर वन वाज डिस्पर्सन मीडियम। बच्चों, नाउ वी कैन टॉक अबाउट फर्स्ट कंपाउंडेड मिक्सचर। सो बेसिकली कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड बाय केमिकल प्रोसेस विद वन अनदर इन अ डेफिनेट ऑब्लिक फिक्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट, ग्लूकोज, वाटर, H2O water, which is formed by the chemical combination of hydrogen and oxygen. So here one thing you must remember, that many of the substances around us are still exist in pure form, and we use them as a pure form. And if we use it in the pure form, we called it elements, such as gold, silver, iron, aluminium, oxygen, carbon. And compounds are those which was formed by the chemical composition of somehow chemical composition in a fixed ratio. Here glucose, water, elements are of basic nature which cannot be divided further into simpler ones by any kind of chemical reactions. Generally these are classified as metals, non-metals and metalloids on the basis of their properties. So these are also useful for us. Another one वास मिक्सचर। बच्चों, उससे पहले आप एक बार मिक्सचर देख लीजिए। तो मिक्सचर क्या है? नो केमिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन, दे आर साइंटिफिकली इम्प्योर इन नेचर एंड कैन नॉट बी ऑफ फिक्स्ड रेशियो एज इट वेरीज। ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन इट। तो बेसिकली दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टेंट फ्रॉम विच दे आर मेड ऑफ। Another thing, when any two or more elements or compounds is simply mixed together in any proportion, they form a mixture. Its constant can be separated by physical methods like filtration, evaporation, swing. ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं properties of metals and properties of non-metals which can be used by us in different things based on their properties. So basically, first of all, we talk about metals. Metals are solid and nusseous, that is shiny surfaces. They are good conductor of heat and electricity. These are ductile in nature and we can draw wires. For example, gold, copper, aluminium. They are malleable in nature, can be beaten into sheets like iron, gold, copper. They are sonorous in nature, that is they produce ringing sound on hitting to one another. Another one was properties of non-metals. They are not lustrous. They are bad conductor of heat and electricity. They are neither malleable nor ductile. That means that cannot be drawn into wires and cannot be beaten into sheets. They are generally brittle and cannot produce sonorous sound. Generally, non-metal exist in liquid or gaseous form like hydrogen, carbon, iodine, bromine, chlorine, etc. Now we have some question answer. चलिए जरा उन्हें देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 इज, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलोइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो चलिए बच्चों, इसे देख लेते हैं जरा। तो बच्चों, ये है बेसिक डिफरेंस कोलोइडल और ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। आपका आंसर 1 है। इसमें छोटी छोटी बातें बताई गई हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ये स्टेबल सॉल्यूशन है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट दिखाता है, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई हैं, एग्जांपल दी हुई हैं। ये आपका आंसर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अनदर क्वेश्चन वाज डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड ए मिक्सचर। तो इसमें आपको बच्चों ये वाला लिखना आंसर टू, ये कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर थ्री, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेसिकली ये आपका डिफरेंस है नॉन मेटल्स और मेटल का, ये आंसर थ्री है आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, आल्सो आइडेंटिफाई प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड राइट देम सेपरेटली। तो बात करते हैं कंपाउंड और मिक्सचर की, पहले कंपाउंड और मिक्सचर को अलग अलग कर लेते हैं। तो इसमें वाटर, शुगर, सॉल्ट, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड HCl, ये सारे के सारे आपके क्या हैं बच्चों, कंपाउंड है। मिक्सचर कौन कौन से, अब सोयल, शुगर सॉल्यूशन, एयर, मिल्क, ब्रिक, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मिक्सचर्स हैं। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।